हमारे भीतर प्रेम छिपा है, हमारे भीतर आनंद है नहीं कह सकते। प्रकाश नहीं है ऐसा कोई कह सकता? अरे बादलों ने घेर रखा है। प्रकाश नहीं है इसका क्या मतलब? प्रकाश नहीं है, है घेर रखा है बादलों ने। प्रकाश नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। दूध में नहीं दिख रहा है, कहां घी है कहां मक्खन है, तो खेले केवल दूध है, इसमें कहां है घी मक्खन, ऐसा नहीं कह सकते। सूक्ष्मता में शक्ति है, पत्थर में आग है, दूध के हर कण में मक्खन ही मक्खन है, घृत ही घृत है, मेहंदी के हरे पत्ते में लाली ही लाली है, लाली मां छिपी है। युक्ति से प्रकट होता है, युक्ति से प्रकट होता है। नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, वो है। और जो है उसका अनुभव करना, यही तो जीवन की वास्तविकता है। वो दिख नहीं रहा तो नहीं है, हमारी इंद्रियां स्थूल हैं, भौतिक हैं, हम बाहर को देखते हैं और जो देखते हैं उसे ही सब कुछ समझ लेते हैं। दृश्य का अदृश्य आधार है, विनाशी का अविनाशी आधार है, जड़ का चेतन आधार है, मिटने वाले का न मिटने वाला आधार है, वही परम सत्य है जिससे सब कुछ संचालित है। जीवन और सत्य दो नहीं है, हम जीवन कहें या सत्य कहें बात एक है। जो जीवन को ठीक ठीक जानना चाहते हैं, जो जीवन को ठीक ठीक समझना चाहते हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है वे सत्य को जानना चाहते हैं, सत्य का साक्षात करना चाहते हैं, जो है उसका अनुभव करना चाहते हैं। हम जीवन कहें या हम सत्य कहें, क्योंकि जीवन का आधार और कोई नहीं, जीवन का आधार परमात्मा है, परमात्मा परमेश्वर हम सबके जीवन का आधार है, सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार अज अद्वैत नाम है परम पुरुष करता। जीवन का आधार परमात्मा है, निमित्त बन जाते हैं बहुत, आधार एक है और वह आधार वह परमात्मा शक्ति है। माता पिता को तो यह भी पता नहीं गर्भ में पल रहा बच्चा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, उसको तो यह भी नहीं पता। आधार एकमात्र ईश्वर है, जीवन का आधार एकमात्र ईश्वर है। सर्वाधार परमात्मा है, जीवन और सत्य दो नहीं है। जीवन को ठीक ठीक समझ लेना, इसका अर्थ है सत्य को जान लेना। जो
जीवन को ठीक ठीक समझ लेना मतलब क्या, जान लेना सत्य का, साक्षात कर लेना। और वो सत्य है हमारे भीतर ढका है, सत्य धर्माय दृष्टये, सोने के पात्र से ढका हुआ है। सत्य का जो मुख है स्वर्ण के पात्र से ढका हुआ है, हमारे ऋषि कहते हैं वो ढका है। अंधेरे से परे है वह हमार परम प्रकाश स्वरूप है। वेद में ऋषि कहते हैं मैं जानता हूं उस मार्ग को, मैं जानता हूं उस मार्ग को जो मार्ग अंधेरे से बिल्कुल परे है। उसी को जानकर मृत्यु से परे हो सकते हो, मृत्यु को जीत सकते हो। और कोई रास्ता नहीं, मार्ग ही एक है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते नाय, वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्य वर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वादि मृत्युमेदि नान्यः पंथा विद्यते नाय। ऋषि कहते हैं मैं जानता हूं उस मार्ग को, जो मार्ग अंधेरे से परे है, परम प्रकाश स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। रसो वैसा परमात्मा ही आनंद है, परम प्रेममय है वो। क्यों है परम प्रेममय? क्योंकि उसमें दुख नहीं है, आनंद ही आनंद है, परम प्रेममय है। रसो वैसा, रसो वैसा आनंदो ब्रह्मेति व्यजाना, आनंदद्वैखल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदं ब्रह्मन्त्य विसंविसन्ति। परम प्रेममय है, प्रेम का विकास ही परमात्मा है। प्रेम आत्मा की सुगंध है, हमारे भीतर छिपा है। क्योंकि दुख नहीं है उसमें, कहां कहां दुख नहीं है, परमात्मा में दुख नहीं है। गाढ़ी नींद में दुख मिल रहा था, तब गाढ़ी नींद में निद्रा देवी की गोद में दे, कोई दुख था मेरा तेरा यह वह यहां वहां? गाढ़ी नींद में दुख नहीं है। मोक्ष में दुख है? मोक्ष में दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा में दुख नहीं है, वो आनंद स्वरूप है। दुख क्या करेगा वहां पर? दुख कहां है? जहां दोष है, जहां दुर्गुण है, जहां मन का अनियंत्रण है, जहां झूठ है, कपट है, पूर्ण व्यवहार है, जहां ईर्ष्या द्वेष है, जहां राग द्वेष है, वहां वहां दुख है। क्यों? वहां वहां दोष है, इसलिए। परमात्मा में दुख नहीं है, आनंद ही आनंद है। रसो वैसा प्रेम का विकास ही परमात्मा है। समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता,
समाधि में, सुसुप्ति में, मोक्ष में ब्रह्म की एक रूपता है। गाढ़ी नींद में कोई अनुभव नहीं है दुख का, कष्ट का। मैं तू यह वह मेरा तेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का संचालक मन ही निश्चेष्ट हो गया। इंद्रियों का जो संचालक मन है वह निश्चेष्ट हो गया। कोई अनुभव नहीं। निद्रा बड़ी वस्तु है, निद्रा बड़ी वस्तु है। ध्यान के अनुभव में वृद्धि चाहिए तो निद्रा, निद्रा पूर्ण निद्रा का अभ्यास मात्र आवश्यक नहीं है, अनिवार्य है। क्योंकि ध्यान कोई तंद्रा की अवस्था नहीं है। बैठे हैं, तो जहां बैठना है वहीं बैठ गए, है ना। साधक का एक मंडल है, बैठ गया तो बैठ गया, और जितनी देर स्थिर करना है उसको वहां पर स्थिर कर लिया। ध्यान कोई निद्रा तो है नहीं कि नींद नींद में ही सब ध्यान भी हो गया। नींद नींद में, आधी नींद में पर ध्यान करते हो क्या? निद्रा पूर्ण हो गई, पूर्ण हो गई निद्रा। अब हमारी जो स्थिति है अपने मंडल में स्थित है, अपने मंडल में स्थित है। कोई स्वप्न नहीं। आज मन की ऐसी स्थिति हो गई है, मन की ऐसी स्थिति हो गई है जैसे इतना बिखराव हो गया है, इतना बिखराव हो गया है मन में, इतना बिखराव, इतनी अशांति, विचारों का इतना उतार चढ़ाव, विचारों का इतना उतार चढ़ाव और स्थिरता। आधी रात को भी घड़बड़ा के उठ खड़ा होता है, मन की ऐसी स्थिति हो गई है। ठीक ढंग से निद्रा नहीं ले पाता, ऐसे कुछ आए बाएं बकने लगता है। ऐसा स्वप्न देखा, वैसा स्वप्न देखा, स्वप्न में भयभीत होकर जग जाता है। स्वप्न में भयभीत होकर आधी रात को जग जाता है, न सोता है, न दूसरों को सोने देता है। मन की ऐसी स्थिति हो गई, मन ले जा रहा है। अशांति में, अस्थिरता में, जहां स्वप्न है वहां निद्रा नहीं है, और जहां निद्रा नहीं है वहां ध्यान के अनुभव में वृद्धि कहां होगी, साधना में स्थिरता कहां होगी, जब मन की इतनी अस्थिरता है। अंतःकरण की जब यह स्थिति है तब तो जैसे इतना बिखराव है, इतना बिखराव। साधक स्थित है, स्थिर है, केवल शरीर नहीं बैठा है, शरीर को भी बैठा लेने का अभ्यास तो होना चाहिए। मन कुछ क्षण के लिए स्थिर हो रहा है, नहीं हो रहा है, अलग बात है, शरीर को तो बैठा लो।
बैठ गए तो बैठ गए, स्थिर बैठ गए। जैसे कोई मूर्ति है क्या, ये हिलती नहीं है, मूर्ति हिलती डुलती नहीं है का, ये मूर्तिवत बैठा है जड़वत, ऐसे शरीर को बैठा ले। आसन स्थिर शांत दृढ़ा, हिले दुमे नहीं देह, बैठो मन मथ मारी कर, सुमिरो पुरुष विदेह। शरीर की अस्थिरता जैसे चित्त को भी चंचल बना देती है। बैठ गए तो बैठ गए, अनेक अनेक साधक साधिकाएं घंटों बैठकर आनंद में स्थित रहते, तन थिर मन थिर पवन थिरा। कम से कम 3 घंटे एक आसन से बैठ सके, कम से कम इतना तो होना चाहिए। बैठ गया तो बैठ गया है, शरीर को बैठा लिया है, शरीर को बैठा लिया है। चेतना को एकाग्र करने का प्रयत्न कर रहा है। दीर्घ काल तक एक आसन में बैठने का अभ्यास होना चाहिए। बारंबार आसन बदलते रहने से बदलो तब अस्थिरता होती है। प्रारंभ में सब ऐसी उच्च भूमि में तो पहुंच नहीं गए, स्थिरम सुखम आसनम। आसन कहते किसे हैं, आसन मतलब क्या, इसमें स्थिरता हो, सुख का अनुभव हो। जिसमें हम सहज अनुभव कर सकें, जिसमें बैठने का हमारा अभ्यास दृढ़ हो, वह आसन है। क्रमशः हमारी शक्तियों का विकास होता है, प्रयत्न और पुरुषार्थ करना है, वो कर लेगा उसके कब होगा। हमारे भीतर गुरु तत्व है, हमारे भीतर आत्म तत्व है, केवल बाहर है क्या। प्रथम है दृढ़ संकल्प करा, संयम कर अनुकूल, ध्येय धैर्य से मिलत है साधन सब सुख मूल। सब में समान रूप से ये लाभकारी है। जैसे ये स्वरवेद की वाणी, सदगुरु की अमोघ वाणी, संकल्प कर लिया तो कर लिया संकल्प है ना। विचारों को दृढ़ बना लिया तो बना लिया, विचारों को दृढ़ बना लिया तो बना लिया, क्योंकि विचार ही हमें सुखी बनाते हैं, विचार ही हमें दुखी बनाते हैं। हम सुख दुख का अनुभव किससे कर रहे हैं, विचारों से ही कर रहे हैं। विचारवान ही निर्णय कर पाता है कौन से विचार आत्म कल्याणकारी हैं और कौन से विचार नहीं है। जो ये चिंतन ही ना कर पाए कि कौन विचार श्रेष्ठ है शुभ है और कौन श्रेष्ठ शुभ नहीं है, तो वो अनुचित विचारों को रोकेगा कैसे। उसके लिए कुछ उचित अनुचित है ही नहीं। विचारवान ही ये निर्णय कर पाता है कि ये शुभ है या अशुभ है। विचारवान ही ये निर्णय कर पाता है ये उपयोगी है
और ये उपयोगी नहीं है तो नहीं है, बात खत्म।